हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल कुर्ती में सिंपल गला कैसे बनाया जाता है। ये मैंने बकरम लिया है, बकरम पर ये मैंने 6.5 इंच का निशान लगा लिया है और यहाँ से ये 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये गोलाई और जो खुला वाला पोर्शन है उस तरफ से ये कटिंग होती है। ये मैंने गला काट लिया है, अब इसको साइड से भी हम कटिंग करके एक सा काट लेंगे। ये गला कट चुका है। अब ये देखिए, इसको हम कपड़े पे रखकर इस तरह पहले एक सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर से गले की चौड़ाई जो है मैंने 5.5 इंच रखी है। ये साइड से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे और जो गोलाई वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे 2-3 कट लगा लें। इसमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है। सिलाई हमारी लग चुकी है, मैंने सेंटर का कट भी लगा लिया है। ये आगे वाला पोर्शन जिसमें हल्की सी गहराई आर्म होल्स पे हम रखते हैं, आगे का पल्ला है ये। बस इसको सेंटर में एक सर रख के मकरम के बिल्कुल बाजू से हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी लग चुकी है, अब इसको हम थोड़ी दूर से इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम इसमें कट लगाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि सिलाई जो हमने लगाई थी वहाँ तक कट लगाना है, लेकिन सिलाई कटना नहीं चाहिए। पहले हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनार पे। ये वाली सिलाई लगने के बाद हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे एक्स्ट्रा। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो इसमें अंदर से तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। लगी अब इसके बाद ये हमारा गला तैयार हो चुका है। ये पीछे इसमें हमें छोटा गला बनाना है 3 इंच का, तो हम इसमें 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। पहले ये गले की जो चौड़ाई है, कंधे का नाप हम इसमें रख के निशान लगाएंगे और यहाँ से ये 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। ये हमारा गला कट चुका है। ये जिन कस्टमर का है वो छोटे गले ही पहनते हैं। ये पीछे गले में हम ये पट्टी लगा देंगे। पट्टी लगाने से पहले इसमें हम बाहर की तरफ मोड़ के इसको सिलाई लगा लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं
जो आपसे नहीं बनती है तो आप उसमें कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको वो चीज़ ज़रूर बनाकर ये काट कर दिखाएंगे। ये कंधी हमारी जुड़ चुकी है, अब इस पर हम एक डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करने के बाद पीछे के गले पे भी हम बाहर से एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोग इसमें अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैंने लेकिन इसमें सिलाई लगाई हुई है। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ देंगे दोस्तों। आगे का जो पोर्शन रहता है उसमें हम आर्मोल्स में हल्की सी गहराई रख काटते हैं, इसी तरह आस्तीन में भी हल्की सी गहराई रहती है, तो जो गहराई वाला पोर्शन रहता है वो हम आगे की तरफ करके आस्तीन चढ़ा देते हैं। ये आस्तीन में हमने डबल सिलाई भी कर दी है, अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ की भी आस्तीन चढ़ा देंगे। अब इसका मेज़रमेंट दोनों तरफ जो है, जितना भी आप अपने सूट में साइज काटते हैं तो दोनों तरफ एक सा मार्जिन रखें, अगर एक तरफ 1.5 इंच है तो दूसरी तरफ भी 1.5 इंच का ही मार्जिन रखें, अगर 1 इंच है तो 1 इंच का मार्जिन रखें। ये हमने नाप कर दिया है इसने। इसमें भी हम यहां से डबल सिलाई करेंगे। ये दूसरी तरफ की सिलाई, ये दोनों तरफ की हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम साइड्स की कट्स को फोल्ड करेंगे। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है दोस्तों, बस आपको अच्छे से देखना है, समझना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये देखिए कितनी इजी और कितनी आसानी से ये कुर्ती बना के मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इस पे ये हम डबल सिलाई करेंगे। इसको एक बार चेक करना ज़रूरी रहता है कि छोटा बड़ा पोर्शन तो नहीं हो गया।
दूसरी तरफ का भी चाक हमने फोल्ड कर लिया है, इस पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद नीचे का जो दामन होता है हम उसको फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। आप बहुत आसानी से सिंपल कुर्ती घर पे बना सकते हैं। अब इस पर भी हम डबल सिलाई करेंगे। ये दूसरी तरफ भी हम डबल सिलाई कर देंगे। ये कुर्ती हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।